दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच पहला T20 मैच देखने के लिए उत्साहित हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 100 लाइक्स का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आखिरकार बांग्लादेश की टीम को टेस्ट सीरीज में खदेड़ने के बाद अब T20 की आ चुकी है बारी। हो चुका है ग्वालियर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर पहला T20 मुकाबला शुरू। सूर्य कुमार यादव है कप्तान, तो आखिर किस प्लेइंग 11 के साथ बांग्लादेश की धज्जियां उड़ाने मैदान में उतरे भारतीय कप्तान? टॉस जीतकर कौन आया है ओपनिंग पर, कौन सा बल्लेबाज पहुंच गया शतक के करीब, रिंकू सिंह ने बना दिया कितने रन, सब आपको वीडियो में वो भी लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में कौन सी टीम पहला T20 मैच जीतेगी? अपनी कीमती राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश की टीम अभी दो मैच की टेस्ट सीरीज में आमने सामने भिड़ी थी, और दोस्तों दो मैच की टेस्ट सीरीज को भारत ने जिस अंदाज में जीता, 2-0 से बांग्लादेश को क्लीन स्वीप कर दिया, वहां से तो ये साफ हो गया कि दोस्तों बांग्लादेश की टीम को हराने का मूड इस बार भारत की टीम ने बना रखा है। और बांग्लादेश की टीम जो कि अभी पाकिस्तान जैसी टीमों को खदेड़ कर आ रही थी, अब वो भारत में आकर धूल चाट चुकी है। और अब बारी है T20 क्रिकेट में भी बांग्लादेशियों को ऐसी हार देने की वो उन्हें जन्मों तक याद रहे। तो ऐसे में दोस्तों, यहां भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव को सौंप दी गई है, जो कि अपनी टीम को जिताने से बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं है। हालांकि दोस्तों, इस बार T20 स्क्वाड में कई नए नामों को शामिल किया गया है, जिनका प्रदर्शन देखने के लिए पूरा भारत देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच आपको हेड टू हेड के आंकड़े बताते हुए चले तो दोस्तों, टीम के बीच अब तक कुल मिलाकर 14 मैच खेले गए हैं, और दोस्तों 14 में से 13 मुकाबले जहाँ भारत ने जीते हैं, तो वहीं एक मुकाबला बांग्लादेश की टीम को जीतकर पूरी दुनिया को ये बताया है कि भारत से वो कभी नहीं जीत सकते। तो ऐसे में दोस्तों, यहां तक एक तरफ कप्तानी सूर्य कुमार यादव के हाथों में, तो वहीं दूसरी तरफ नजमुल हुसैन शांटो चाहेंगे कि अपनी टीम को किसी भी हाल में जितवाएं, और टेस्ट क्रिकेट में बेइज्जती उनकी हुई है, उस बेइज्जती से बाहर निकले। लेकिन दोस्तों, भारत की टीम इस बार ऐसा होने नहीं देने वाली है। वहीं हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये पहला T20 मैच ग्वालियर के न्यू माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है। ये पहली बार है जब इस स्टेडियम पर कोई इंटरनेशनल मैच होगा। ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है कि यहाँ की पिच कैसा बर्ताव करती है, क्या ये बल्लेबाजों को भरपूर मदद मिलेगी, या फिर गेंदबाज आते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर देंगे। वहीं अगर आप ये पहला T20 मुकाबला अगर लाइव अपने टेलीविजन पर देखना चाहते हैं, तो ये मुकाबला स्पोर्ट्स 18 के चैनल पर दिखाया जा रहा है। और अगर आप मुकाबले की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं, तो वो भी बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पर मुकाबले का भरपूर आप आनंद उठा पाएंगे। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में, तो दोस्तों आइए आपको पहले प्लेइंग 11 टीम बताते हुए चलते हैं, जो कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने उतारी है। यहाँ पर भारत की तरफ से जो प्लेइंग 11 टीम नजर आने वाली है, उसमें शुरुआत अभिषेक शर्मा के साथ सूर्य कुमार यादव करेंगे। तो वहीं दोस्तों, फिर तीसरे नंबर पर मौका नीतीश कुमार रेड्डी को दिया जाएगा, हार्दिक पांड्या टीम का हिस्सा बने हुए हैं। तो वहीं शिवम दुबे, रियान पराग और संजू सैमसन टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों, बात की जाए अगर गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में अर्षदीप सिंह, हर्षित राणा, मयंक यादव और रवि बिश्नोई खेलते नजर आएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, ये होगी भारत की प्लेइंग 11 टीम, जो कि पहले T20 मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी, जिसमें एक साथ कई खिलाड़ी भारत के लिए अपना डेब्यू करते हुए नजर आने वाले। ऐसे में देखने लायक बात ये भी रहेगी कि इसमें से कौन विश्व क्रिकेट में अपना परचम लहरा पाता है और टीम इंडिया में अपनी जगह सुनिश्चित कर पाता है। उनके लिए सुनहरा मौका है अपना जलवा बिखेरने का। वहीं दोस्तों, अगर बांग्लादेश की टीम के बारे में जाने, तो बांग्लादेश की तरफ से नजमुल हुसैन शांटो और तंजीद हसन ओपनिंग क्रम में नजर आएंगे, और मध्य क्रम में तौहिद हृदय, महमदुल्ला मेहंदी, हसन मिराज और लिटन दास से टीम इंडिया को बचकर रहना पड़ेगा। तो गेंदबाजी डिपार्टमेंट में रकीबुल हसन, मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और तंजीद हसन शाकिब खेलते हुए प्लेइंग 11 में नजर आ रहे। तो ऐसे में दोस्तों, यहाँ यही है दोनों की प्लेइंग 11 टीमें, और अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन सी टीम एक दूसरे को हरा पाने में कामयाब हो पाती है। क्या भारत की टीम पहला T20 जीतेगी या फिर बांग्लादेश की टीम? अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।